अरे बोलिए बोलिए मामा, क्या बात है, कितने टाइम के बाद फोन किया आपने। अरे कितने टाइम के बाद क्या, कितने सालों के बाद फोन किया आपने। बोलिए बोलिए, आज अचानक भांजे की याद कैसे आ गई। हाँ कल हो गया, उद्घाटन हो गया। नहीं नहीं, नई दुकान नहीं है, वो हमारी पुरानी दुकान थी ना, उसी में रेनोवेशन करवा के फिर से खोली है। तो मुझे लगा बापूजी ने आपको आमंत्रण के लिए फोन किया होगा। नहीं नहीं, मैं बापूजी से पूछता हूँ, वो आपको आमंत्रण देना कैसे भूल गए। क्या हुआ जेठा, मैं किसको किस चीज का आमंत्रण देना भूल गया। बापूजी, रूपचंद मामा का फोन है। तो मामा एक दो मिनट, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। रख दिया ना फोन। हाँ फोन तो रख दिया, लेकिन बापूजी रूपचंद मामा का नाम सुन के आप अचानक भागे क्यों। अरे वो रूपचंद मेरा साला नहीं है, सर दर्द है, सर दर्द। जब से मेरी शादी हुई है मेरी कुंडली पे राहु की तरह मंडरा रहा है। अरे मेरे पूरे जीवन में उसने मुझे जितना परेशान किया है ना, उसका 5% भी किसी और ने परेशान नहीं किया है। अरे मुझे परेशान करने के किस्से और कारनामे पे तो रूपचंद पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। अरे बाप रे, ये रूपचंद मामा सुंदर जैसे है आज पता चला। हे भगवान, हमारे गड़ा खानदान पे क्या कोई श्राप लगा है कि पत्नियां श्रेष्ठ मिलेगी लेकिन साले एक नंबर के नंग मिलेंगे। लेकिन बापूजी, ये रूपचंद मामा से आप इतने परेशान हुए, आज तक आपने कभी बताया क्यों नहीं। बताता तो क्या कर लेता तू। नहीं मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो फिर छोड़ना भाई, सुबह सुबह उसका नाम मत ले। उसका नाम लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। तुझे दुकान जाने में लेट नहीं हो रहा है, जाना दुकान जाना। नहीं नहीं, लेट तो हो रहा है बापूजी, आज 10 बजे जलगांव से एक पार्टी आ रही है, उनके साथ मीटिंग है। तो जा जा। जी जी बापूजी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और सुन। हाँ बापूजी। ये बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो छाता तो लेकर जा। अरे हाँ बापूजी, हाँ हाँ। Come on, come on, चलो जल्दी जल्दी। देख गोली देख, ये बॉल पे तो क्लीन बोल्ड है। अरे तू देखना, ये बॉल पे सिक्सर है, सिक्सर। ए सिक्सर वाले, ए प्लेट प्लेट क्या, ग्राउंड नहीं है। सॉरी सॉरी, सिक्सर। कॉन्फिडेंस। बाबू जी ले लिया छाता। तो मुझे क्या दिखा रहा है, जल्दी दुकान जा। सॉरी सॉरी। अरे धरती कंपनी है, बैठ आया है। हाँ वो देख। अरे ये बैठ घर में कहाँ से आया? कहाँ से आया क्या, खिड़की से आया। टप्पू सेना नीचे खेल रही होगी, उनका होगा। तो ये किस टाइप का क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, बैट से बॉलिंग और बॉल से बैटिंग कर रहे हैं क्या? मुझे क्या मालूम। गोली क्या किया तूने? गोली क्या किया तू? रे गोलिया कैसा शॉट? डायरेक्ट बैक? या लाश। रे टप्पू सेना भी ना। सॉरी 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 दादाजी। किसी को लगा तो नहीं? सॉरी 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 हाँ सॉरी। अरे क्या सॉरी गोली, ये क्या तरीका क्रिकेट खेलने का, बॉल की जगह डायरेक्ट बैट आ गया घर में। सॉरी जेठा अंकल, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैं शॉट मारने गया और हैंडल मेरे हाथ में रह गया और बैट टूट के यहाँ पे आ गया।
अरे तो खेलने से पहले चेक करना चाहिए ना बेटा कि अगर हैंडल जरा भी ढीला लगे तो बैट सा नहीं खेलना चाहिए। ढीला नहीं था, पता नहीं कैसे टूट गया। अरे देवा देवा देवा, किसको लगा है? है? किसी को लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बच गया भाई। नसीब नसीब। ये गोड़िया, मैंने बोला था ना आराम से खेलो, प्लेट प्लेट खेलो। नहीं लेकिन शॉट तो मारना ही है। वो तो अच्छा हुआ कि जेठा और चाचा जी इस तरफ थे, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते तो बैट वहां पे उड़ के आ जाता ना। तो सॉरी बेटा अंकल। हां चलो बोल ले, सॉरी शरारत करो और सॉरी बोलो। हां अरे एक मिनट भीड़े भाई, बैट मेरे घर में आया है ना। हाँ तो मेरा डांटने से पहले तू क्या डांट रहा है इनको? हाँ सॉरी सॉरी, डांटो डांटो और ऐसा डांटो कि जिंदगी भर याद रहे। कितनी बार संगीत है, कंपाउंड में मत खेला करो, कंपाउंड में। अरे भाई मुझे डांटने देगा क्या? नहीं। हाँ डांटो डांटो। गोली, किसी को डांटने की जरूरत नहीं है। अरे पर बापू जी। अरे क्या बापू जी, बच्चों ने जानबूझ के थोड़ी बैट फेंका है। जानबूझ के नहीं फेंका है बापू जी, लेकिन भिड़े ने इसको बोला कि प्लेट प्लेट खेलो तो प्लेट प्लेट खेलना चाहिए ना, शॉट मारने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या, हजर है संगीत लेकिन सुनना ही नहीं है। सोचा था टप्पू मध्य प्रदेश गया पढ़ने के लिए। आंध्र प्रदेश है? टप्पू आंध्र प्रदेश गया। हाँ हाँ तेज तेज, जिधर भी गया हो, लेकिन सोचा था कि वो यहाँ पे नहीं है तो जरा सोसाइटी में शांति होगी। पर सेना है इस बागे छड़ाएला। अरे भिंडी मास्टर बस अभी बच्चों को डांटना बंद करो। अरे बापूजी डांटने वाला काम किया तो डांटना तो पड़ेगा ही ना। बराबर है भिंडी मास्टर, बस आता गब्बर। अरे इसमें गोली की गलती नहीं है, उसे थोड़ी पता था कि वो ऐसे शॉट मारने जाएगा और बैट टूट के सीधा हमारे घर में आ जाएगा। I swear, नहीं पता था। अरे वो पता है बेटा, वो नहीं ही पता होता है। और गोली की जगह अगर टप्पू होता, जेठिया तू होता या बिल्डिंग मास्टर तू होता तो भी जो होना होता वही होता। नहीं 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 चाचा जी, अगर गोड़िया की जगह मैं होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई मुझे बोलता है ना कि शॉट मत मारो प्लेट प्लेट खेलो तो मैं उसकी सुनता, शॉट नहीं मारता प्लेट प्लेट ही खेलता। सॉरी 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 अंकल, दादाजी। अरे कोई बात नहीं बच्चों, जो होना था सो हो गया, और वैसे भी कांच टूटना तो बहुत शुभ माना जाता है। अरे बापू जी ऐसा मत बोलिए, वरना कल से ये लोग रोज बैट फेंक फेंक के हमारी खिड़की के कांच तोड़ेंगे। कहाँ रोज बैट फेंक फेंक के कांच तोड़ेंगे, एक ही बैट था वो भी टूट गया। अरे अच्छा मतलब ज्यादा बैट होते तो रोज बैट फेंक फेंक के कांच तोड़ते। इसे जटिया, अरे तेरी मीटिंग है ना, जाना दुकान जाना, तुझे लेट नहीं हो रहा? जा लेट तो हो रहा है बापू जी, लेकिन अभी कैसे जा सकता हूँ, ये सब साफ तो करना पड़ेगा ना। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं साफ कर लूंगा, तू जा। नहीं नहीं दादाजी, हम लोग है ना, हम साफ कर देंगे। काई गरज नहीं है, कांच वाश लग जाएगा, मैं साफ कर दूंगा। और वैसे भी मुझे आदत है, बचपन से तुम लोग ने इतने कांच तोड़े ना मेरे कि अगर मैंने वो जमा किए होते ना तो अब तक मेरा कांच का महल बन जाता। और वो कांच वाला है ना, भिड़े भाई का दोस्त बन गया है, अभी तो डिस्काउंट भी देता है। एक काम करो अब्दुल, वो कांच वाले की ना जेठा से पहचान करा दो। हाँ ओ पहचान करा दो मतलब, अभी क्या मेरे घर के कांच भी बार बार टूटने वाले हैं? बार बार कांच कैसे टूटेंगे, हमारा क्रिकेट खेलना ही बंद हो गया है, एक ही बैट था वो भी टूट गया। अल भाई जटिया, अभी तू दुकान जा रहा है कि मैं जाऊं? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। भिड़े थैंक यू दोस्त। नहीं कोई बात नहीं, नहीं जरा ठीक से साफ करना, क्या कोई कांच की कणी रह गई ना तो बापूजी को लग जाएगी, इसलिए ठीक है।
चलो बाबूजी मैं चलता हूँ, जय जिनेन्द्र। चले बकाशोर बाजू रे। चलो बच्चों अभी तुम लोग भी जाओ, मैं साफ कर लूंगा, जाओ जाओ नीचे जाओ। सॉरी बाय बेड़े अंदर। अच्छा अब्दुल एक काम करना, जरा एक ना सब बॉक्स लेके आना, ताकि ये कांच के टुकड़े तुम लोग बॉक्स में जमा करेंगे तो किसी को लगेंगे नहीं। हाँ ओके, हाँ लेके आ। चाचा जी मुझे जरा झाड़ू देंगे प्लीज? हाँ अभी जाके देता हूँ। नहीं नहीं आप यहीं रुकिए, वहाँ पे बारीक बारीक टुकड़े कहीं लग ना जाए आपको। आप बताइए मैं लेके आता। थैंक यू भिड़े। चाचा जी इसमें थैंक यू क्या? अगर मेरी जगह जेठा यहाँ पे होता तो आप उसको थैंक यू बोलते? नहीं ना, मैं भी तो आपके बेटे समान ही हूँ ना। बैठ जाइए मैं लाता। संभाल गया भिंडी मत। ओ, इतना सारा कस्टमर, वाह ये नजारा देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे ओ भाई साहब आगे कहाँ जा रहे हो, पहले मेरा नंबर है। अरे अरे भाई साहब एक मिनट, इनको मत रोकिए, इनको आने दीजिए। क्यों वीआईपी कस्टमर है क्या? अरे नहीं नहीं ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ओ सॉरी 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 भाई साहब प्लीज। नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आई आई ऐसे और टीवी लेके जाएगा। वाह 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 बस बस भगवान करे ये कोरोना काल में हमें जो धंधे की कमी महसूस हुई है वो इसी तरह सरभर हो जाए। आइए आइए वेलकम वेलकम। हाँ सर, सर मैंने उनकी फाइल चेक की, उनके अकाउंट में बहुत सारी क्वेरीज हैं। सर मुझे लगता है उनके इस केस को स्क्रूटिनी में डालना ही पड़ेगा। ओके सर। आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? जी हाँ। अरे बाप रे, देखिए सर हमारे सेठ जी एकदम ईमानदार बिजनेसमैन हैं। आज तक उन्होंने कभी दो नंबर का काम नहीं किया और वो हर साल अपने रिटर्न टाइम टू टाइम भरते हैं। अगर आप चाहें तो उनकी सारी फाइल बेझिझक चेक कर सकते हैं। सेठ जी अपनी सारी फाइल आपको दिखाएंगे, है ना सेठ जी? अरे भाई साहब मैं यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए मोबाइल लेने आया हूँ। अरे वाह। हाँ तो बोलिए बोलिए सर, कौन सा मोबाइल लेना है आपको? ओरिजिनल तो है ना, मैं चार जगह गया किसी ने भी 24,000 से कम नहीं बताया। नहीं नहीं सर ये ओरिजिनल ही है। ओके आपने बोला ना कि आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए तो मैं आपको भाव टू भाव दे रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं उसमें इसी दे दे। हाँ ठीक है भागा। जी जी माँ। पेमेंट कैसे करेंगे सर आप? ऑनलाइन। हाँ ये देखिए। हाँ नहीं वो तो सिंह जी हो गया पेमेंट। हो गया ये लीजिए सर, और बिल इसमें ही रखा है। फिर से पधारिएगा सर। सेठ जी अच्छा हुआ दुकान का रिनोवेशन हुआ, लगता है दुकान के रिनोवेशन के बाद दुकान के ग्रह और अच्छे हो गए। कल ही उद्घाटन हुआ और आज तो कस्टमर की लाइन लग गई। अरे उद्घाटन किसने किया? बापू जी ने। और तुझे पता आज सुबह अच्छा शगुन भी हुआ। अच्छा क्या हुआ? घर में खिड़की का कांच टूट गया। कैसे?
अरे वो टप्पू से ना कंपाउंड में वो क्रिकेट खेल रही थी। अच्छा अच्छा, तो बॉल उड़ के आया होगा। नहीं नहीं, बॉल नहीं, बैट। बैट कैसे? अरे वो क्या हुआ, वो गोली ने जोर से शॉट मारा ना, तो बैट का हैंडल उसके हाथ में रह गया और बैट उड़ के खिड़की का कांच तोड़ के घर में आ गया। अरे बाप रे, तो सेठ जी वो कांच या बैट आपको या बापूजी को किसी को लगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ किसी को लगा नहीं, हम लोग इस तरफ वो सोफा की तरफ से। हश, तो इसमें शगुन कैसा? अरे खिड़की का कांच टूटा ना, बापूजी कहता है कांच टूटना शगुन होता है। हाँ, बड़े सयाने भी यही कहकर गए हैं। हाँ तो, अरे बगा, अगर हमें वो बैट ने स्टंप ने बॉल ने सब नया अगर खरीदना हो तो मिल जाएगा ना? किसको चाहिए? मुझे। ओ, अच्छा है सेठ जी, ये बहुत अच्छा है। हर इंसान को जिंदगी में एक स्पोर्ट तो खेलना ही चाहिए। वैसे सेठ जी, वो कच्ची व्यापारियों की क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए चाहिए? नहीं नहीं, मुझे चाहिए मतलब मेरे लिए नहीं चाहिए। तो वो मैं अपनी तरफ से टप्पू सेना को गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे तो सेठ जी, पूरा क्रिकेट किट दीजिए ना। अरे पूरे किट में तो हेलमेट ने पैड ने ग्लव ने वो सब आता है। ये लोग तो टेनिस बॉल से कंपाउंड में खेलते हैं ना, तो उनको पैड वैड की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो हाफ किट ही लेके आ। हाफ किट? हाँ मतलब बैट बॉल ने स्टंप बस। हाँ लेकिन सुन, बैट दो लेके आना और एक थोड़ा वो छोटा हल्का वाला, मतलब वजन में हल्का वाला लेके आना। क्यों? ओ सोनू बेटे के लिए। तो प्लास्टिक का ले लो। अरे क्या प्लास्टिक बाघा, सोनू बेटी छोटी किकली थोड़ी है भाई। बराबर है। तो सेठ जी, मैं क्रिकेट किट लेने अभी जाऊं या बाद में? नहीं नहीं, अभी 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 जा। और सुन, वो किट लेके आएगा ना तो सीधा गोडाउन में आना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ। सिद्ध जी, अगर आप अभी गोडाउन में चले जाएंगे तो फिर मगन यहाँ एकदम अकेला हो जाएगा, और अगर तीन चार कस्टमर एक साथ आ गए तो वो बेचारा हैंडल नहीं कर पाएगा। अरे हाँ, जब से नट्टू काका गए हैं ना तो रोज उनकी कमी महसूस होती है। बराबर है सेठ जी, नट्टू काका अगर आज यहाँ होते तो हमारी नई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर बहुत खुश होते। हाँ। और फिर आपसे इंग्लिश में कहते, वेल डन माय बॉस, वेल डन। नट्टू काका और उनकी इंग्लिश बहुत याद आते हैं। अच्छा सेठ जी, तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जी। अरे एक मिनट, सुन सुन, ओ किट तो मैं अभी शाम को घर जाऊंगा तभी अपने साथ लेके जाऊंगा, तो ठीक है, एक काम कर, तू दोपहर के बाद लेके आना। ठीक है सेठ जी। वैसे सेठ जी, टप्पू सेना क्रिकेट किट देखकर एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। नहीं प्रेशर नहीं दे रहा हूं। शांत शांत सोनू बेटा, चलो चलो घर चलो। पापा बस ये लास्ट गेम है, इसके बाद चलते हैं। हां बेटा, लास्ट गेम ठीक है, मैं यही रुका हूं, फिर साथ में चलते हैं। छोटा अंकल का फोन और डांटना भी बाकी है। तू एक काम कर, फोन उठा के तुरंत सॉरी बोल दे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सॉरी छोटा अंकल, सॉरी 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 सॉरी। क्यों, अभी क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो तो आज सुबह के बाद के लिए। अरे वो तो सुबह तो सॉरी बोल दिया ना बेटा। हाँ वो तो बहुत बार बोला। नहीं हाँ बस, तो फिर हो गई बात खत्म बेटा। हाँ मैं भिड़े अंकल थोड़ी हूँ जब मन में बात लेके बैठा रहूं। ए ओ ओ जेठालाल, क्या बोला क्या बोला? तू टप्पू सेना के साथ क्या कर रहा है? सुबह से अभी तक बच्चों को डांटी रहे क्या? मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं सोनू को क्लब हाउस में लेने के लिए आया हूँ। तो अच्छा, आप लोग क्लब हाउस में हो? हाँ हम लोग कैरम खेल रहे हैं। हाँ गुगी? नहीं नहीं बेटा नहीं, ये उम्र में कैरम नहीं है बेटा, नहीं। अरे जेठालाल, बच्चे कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, वो स्ट्राइकर सुंगटी वाला कैरम, और इसी उम्र में खेलते हैं ना बच्चे, खेलने दो ना बच्चों को। ठीक है खेलो खेलो बच्चों खेलो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग क्लब हाउस में हो ना तो उधर ही रहना,
मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, मुझे आप लोगों से थोड़ा काम है। क्या क्या काम है? तू टप्पू सेना का सदस्य है? नहीं ना। तो तू क्यों पूछ रहे? तो घर जाना भाई। हाँ टप्पू सेना, आप लोग क्लब हाउस में रहो ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके जेन अंकल, बाय बाय। चल 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 निकाल भाई। सुनो यार, एक मिनट। चल बगा, मैं निकलूं। जी सेठ जी। तो वो किट दे दे मुझे। अरे हाँ, एक मिनट। ये लीजिए सेठ जी। टप्पू से ना एकदम खुश हो जाएगी। अरे एकदम। चल जी सेठ जी। भाई वाह, मजा आ गया। देखा ना आपने, खुशियां बांटने से किस तरह से बढ़ती है। आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियां उन्हें बांटिए, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। ये गोकुलधाम में ही हो सकता है भाई। ये गोकुलधाम कमाल का गोकुलधाम है। यहाँ पे प्यार है, परिवार है, छोटी मोटी तकरार भी है, लेकिन ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे यह मस्ती की और हंसी के फटाके ऐसे ही फूटते रहेंगे और ठाके कभी कम नहीं होंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.